यहाँ से आप रीडिंग देख सकते हो, रीडिंग की रीडिंग देखने में आपको इसमें पीडी भी दे देगा आई का, एवरेज आप देख सकते हो और नाइन रीडिंग आप ले सकते हैं। मैंने तीन रीडिंग ली है सिर्फ, ऑटोमेटिक में तीन रीडिंग है और मैनुअल पे आप एक से टेन ले सकते हो, बाकी ऑटो में तीन रीडिंग आ जाएगा। इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। बाहर आने के लिए वाला बटन, नई पेशेंट करना है ये दबा के आपको ये वीडियो करेंगे फिर नई पेशेंट आपका चालू हो जाएगा। इसके अदरवाइज आप यहाँ से जो है सिलेंडर प्लस माइनस या मिक्स रख सकते हो, ये इंडिकेटर है लेफ्ट और राइट के लिए। यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है ब्राइटनेस भी, जब कोई बूढ़े लोग जो होते हैं इनकी आँख नहीं खुल पाती सही से उसके लिए ये बटन दबाते हैं, अंदर एक बल्ब होता है उसकी ब्राइटनेस तेज कर देता है। इसको ऑन रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऑन रहने देना। ये हमने ऑटो मोड कर दिया, ऑटो मैनुअल यहाँ से चेंज होगा, इसका कुछ खास काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, ये एलईडी होता है, इसको ऑन रहने दो। इसको ऑन बंद करने से देखो यहाँ पे छोटा हो रहा है, बढ़ने से ये हो रहा है। सिलेंडर हमेशा प्लस भी कर सकते हो माइनस का, मिक्स रहने से प्लस माइनस नंबर आ जाता है, बाकी कोई काम नहीं है। ये प्रिंटर हो गया, ये मेनू डिफॉल्ट सेटिंग है, मेनू नहीं छेड़ना, ये आईओएल होता है, ये चार्ट बुक इरेज के लिए, और ये आरएन ओनली रिफ्लेक्टो ओनली कैरेटो सीएलबीसी कॉन्टैक्ट लेंस बेस कॉर्पोरेट हो गया, ये आरएन के दोनों एक साथ में हो गया।